जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे काफी लंबे टाइम से और अभी तक हमने इसके 18 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। होपफुली ये जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो अभी जो आप लास्ट वाले लेक्चर में जो आप पढ़ रहे थे, आपने कंडक्टर के बारे में जाना और आपने थोड़ी हवा लगी हुई, भाई कंडक्टर अच्छा है, आपको ढंग से पढ़ना चाहिए नहीं तो दिक्कत कर सकता है। तो उसके बारे में हमने पोटेंशियल वगैरह लिखना सीख लिया था। अभी हम पहले तो EFI लिखना सीखेंगे इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तब क्या होता है। फिर हम अर्थिंग वगैरह की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों ध्यान से देखना पड़ेगा ना आपको। अगर आप बहुत सीरियसली नहीं देखेंगे, बहुत कंसंट्रेशन में नहीं देखेंगे तो सवाल आप उतने अच्छे से लगा नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। आई होप आप कंडक्टर फोड़ देंगे। आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में कंडक्टिंग शेयर रहेगी, उस पे सरफेसेस पे चार्जेस वगैरह भी रहेंगे, तो हम उसकी वजह से EFI कैसे निकालेंगे। EFI आप पहले पढ़ चुके हैं किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग शेयर की वजह से। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग पे सेम रहता है, जैसे नॉन कंडक्टिंग में आपने कौन सा रिजल्ट का EFI पढ़ा था, जब चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये रिजल्ट पढ़ा था। अगर वैसा ही सेम रिजल्ट है तो आप नॉन कंडक्टिंग के रिजल्ट लगा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वैसा कर सकते नहीं है। ठीक, अब अगर अगर आपको EFI निकालना हो, दो तरीके हैं उसको। पहला तरीका तो यह कि अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर ईच सरफेस। जैसे मान लीजिए आपके पास कई सरफेस रहेंगे, दो तीन शेल रहेगी, तो सबकी वजह से हर एक सरफेस की वजह से अलग अलग निकालिए, फिर उनको जोड़ दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आए कि फील्ड लाइंस है वो मीट को क्रॉस कर सकती नहीं है। फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस, दिस इज क्रॉस मीट ऑफ कंडक्टर। फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर की मीट को क्रॉस कर सकती नहीं है। आपको दोनों ही मेथड जरूरी है। कई बार हो सकता है सवाल इससे फंस जाए तो आपको इससे करना पड़ेगा, कई बार इससे फंस जाए तो इससे करना पड़ेगा। दोनों चीजों में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए, सुनना मेरी बात को, यहां पर आपके पास में एक ऐसे क्यू चार्ज रखा आपने, यहां पर ऐसे क्यू चार्ज रखा, क्लियर। और इसके ऊपर, इस शेल के ऊपर टोटल चार्ज आपने कुछ 3Q दिया, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं, अभी हम थोड़ा जो चार्जेस को है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहां पे अगर क्यू आएगा तो यहां पे कितना आएगा आपके पास, बता सकते हैं क्या आप? माइनस क्यू आएगा, बहुत बढ़िया। इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी 4Q आएगा, क्लियर। अब मुझसे पूछा गया, बताइए यहां पे ये क्यू चार्ज सेंटर पे रखा गया ना, यहां से एक पॉइंट है आर दूरी पे, इस ओ पॉइंट पे EFI कितना होगा। सर मैं समझ में आ गई बच्चों, ठीक। सबसे पहले आप ये देखिए, सुनना मेरी बात को, सबसे पहले मेथड वन कर रहा हूं। मेथड वन क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सही है ये बात, ठीक है। अगर आप देखेंगे भाई साहब, ये यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे EFI कितना आएगा, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। मेथड वन क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ना, सबकी वजह से निकालता हूं। मैंने लिखा EFI इस क्यू की वजह से निकाल लिया, मैंने यहां पे लिखा E net is equal to E due to Q1 plus E due to inner surface plus E due to outer surface। ये रहा बच्चों ये बात, ठीक है। तो अगर आप E net निकालने जाएंगे तो इस Q की वजह से O point पे कितना EFI आएगा, इस Q की वजह से O point पे, that is KQ by R square, बहुत बढ़िया, डन। अच्छा, अगर तू देखेगा इस वाले माइनस Q की वजह से, तो माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पे ये जो माइनस क्यू होगा, तो क्यू सेंटर पे है। अगर क्यू सेंटर पे है तो हर एक चार्ज से इसकी दूरी बराबर, हर एक पॉइंट से दूरी बराबर है, तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस माइनस क्यू की वजह से बाहर जो EFI आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि इसको सेंटर पे डाल सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास में, आपको नॉन कंडक्टिंग रिजल्ट याद है ना, अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप बाहर EFI निकालने के लिए क्यू चार्ज कहां पे मान लेते हैं, सेंटर पे। सेम अगर ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बाहर आपको EFI निकालना है, उसको आप कहां मान सकते हैं, सेंटर पे, ठीक है। अब इसकी वजह से निकालते हैं 4Q की वजह से। अब ये 4Q भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बिकॉज बाहर कोई चार्जेस नहीं है। अगर बाहर कोई चार्ज है तब ये वाला 4Q आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेरी बात समझ आ रही है, तो अगर ये 4Q भी आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो आप इस 4Q की वजह से EFI लिखे तो कितना है, के 4Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ई नेट कितना आ गया बच्चों आपके पास, ई नेट आ गया आपके पास, दिस इज, इससे ये साफ हो गया कितना आया, के 4Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ गया ये वाला, ठीक। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं। मेथड टू क्या था आपके पास, मेथड टू देखिए,
मेथड वन समझ में आ गया, पर मेथड वन में ये थोड़ा देखना पड़ेगा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। आपके पास ये वाला 4q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ बिकॉज बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर कोई चार्जेस नहीं है, और बाहर कोई और चार्ज लेके आते तो 4q भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब सुनिए मेरी बात, सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका ये है कि भाई साहब जो फील्ड लाइंस है वो मीट को क्रॉस कर सकती नहीं है, फील्ड लाइंस जो मीट को क्रॉस कर सकती नहीं है, मतलब इस अंदर वाले चार्जेस की वजह से, अंदर वाले चार्जेस की वजह से। देखना मेरी बात को समझिए, यहां पे ऐसे कुछ क्यू बनाया आपने, तो यहां पे कितना आया माइनस क्यू आया, और यहां पे कितना आया कुछ 4q आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए यहां से जो फील्ड लाइंस है वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, इसकी फील्ड लाइन बाहर जा सकती नहीं है, मतलब अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर EFI 0 आता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? भाई यहां पे ये इसकी मीट है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी अंदर चार्ज वो इसको क्रॉस कर सकती नहीं है, मतलब अंदर वाले की वजह से बाहर EFI कितना आएगा 0। तो हमें सिर्फ किसकी वजह से कंसीडर करना है? बाहर वाले की वजह से। और बाहर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप कितना लिखेंगे? K 4q/r². मेरी बात को वापस समझ लीजिए, ये अच्छी बात है और इसी का हम यूज करें, बिकॉज ये फटाफट सवालों कर दे रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे क्यू है तो पक्का यहाँ पे माइनस क्यू आना है। आपको पता है फील्ड लाइंस है, जो फील्ड लाइंस है वो इस मीट को क्रॉस कर सकती नहीं है, तो अंदर का कोई भी फील्ड बाहर नहीं जा सकता, मतलब अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर EFI कितना आएगा 0, मतलब सिर्फ जो बाहर EFI आएगा वो किसकी वजह से आएगा? जो आउटर सरफेस पे चार्ज है। समझ गई ये बात? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दो तरीके बताए, एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कि आप हर एक सरफेस पे आप चार्जेस की वजह से EFI निकाल दीजिए। सेकंड तरीका मैंने आपको दिखाया, क्या तरीका था वो, कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीट को क्रॉस नहीं कर सकती, तो अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर EFI कितना आएगा 0 आएगा, सिर्फ किसकी वजह से आएगा? मतलब बाहर वाले की वजह से आएगा। आपको समझ में आ रहा है कंडक्टर कंडक्टर क्यों है? ठीक है ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आधा सवाल और करते हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। सवाल में क्या है, आपके पास इस 2q चार्ज को सेंटर पे रखा गया है, और इस शेल पे टोटल चार्ज कितना गिवन है? 8q गिवन है, और इस शेल की रेडियस आपके पास में कुछ कैपिटल आर है जिसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपसे पूछा गया बताइए इस पी पॉइंट पे नेट EFI की वैल्यू कितनी होगी, आप सॉल्व करके बताइए इसको। अभी किया जाए ठीक, आप क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ 2q आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? -2q आएगा, तो यहाँ पे कितना आया तेरे पास? 10q आएगा। सही है ये बात? अब आप देखिए, आपको पता था जी अंदर वाले सरफेस की वजह से बाहर कोई मतलब अंदर वाले चार्जेस की वजह से कोई EFI नहीं आएगा, मतलब इनकी वजह से बाहर EFI कितना है? इन दोनों की वजह से, ड्यू टू दीज चार्जेस EFI आउटसाइड शेल कितना है आपके पास? 0 है। क्लियर? अब सिर्फ किसकी वजह से EFI आना है? 10q की वजह से EFI आना है। तो कितना आएगा आपके पास पी पॉइंट पे 10q की वजह से EFI? तो आप क्या बोलेंगे, सर ये 10q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नॉन यूनिफॉर्मली? तो 10q कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज बाहर कोई चार्ज नहीं है। जब तक बाहर कोई चार्ज नहीं है तब तक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहेगा आपके पास। क्लियर? समझ में आ गया? अंदर वाले की वजह से आएगा, सिर्फ बाहर वाले की वजह से आएगा? बाहर वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको? दैट इज के 10q/r1 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। तो आसान था बच्चों, थोड़ा चमका आपको, कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। ठीक है, अपने एक और सवाल करते हैं ना, फिर उसके बाद में थोड़ा और क्लियर होगा आपको। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये सेटअप है हमारे पास, हमें बोला गया पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, मतलब पी पॉइंट के ऊपर EFI कितना आएगा। अब क्यों, आपको दो शेल्स दिखा दी, इससे पहले एक शेल थी, तो पहले आप ट्राई कीजिए फिर अपने से सॉल्व करेंगे। EFI बताना है ना आपको पी पोटेंशियल पे, वो टोटल चार्जेस दिखाए गए हैं आपको। करें इसको, देखिए तो यहां पे अगर आपके पास में क्यू आएगा तो यहां पे कितना आएगा? -q आएगा। यहां पे क्यू तो यहां पे कितना आएगा? -q। इस पे टोटल चार्ज कितना है? 2q। तो यहां पे कितना आएगा? 3q। सही है ये बात? चार्ज दिखा दिया आपने, यहां पे क्यू तो यहां पे -q, तो यहां पे कितना? 3q। अच्छा, फिर अगर आप देखेंगे यहां पे टोटल, यहां पे आपके पास 3q, तो यहां पे कितना? -3q, और यहां पे कितना आपके पास? दिस विल बी 7q। समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे सर जी इस शेल के अंदर वाले चार्जेस की वजह से, इस शेल के अंदर वाले चार्जेस की वजह से EFI नहीं आएगा, तो अंदर का सब कचरा साफ, सिर्फ बाहर वाले की वजह से आएगा, और कितना आएगा आपके पास? दैट इज K 7Q/r² ये आपके पास EFI आ गया पी पॉइंट के ऊपर।
अभी तो इसमें स्टार्टिंग है, फिर हम इसके बीच वाले पॉइंट में भी निकालेंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे, ये सब भी करेंगे, पर अभी आप बाहर वाले पॉइंट पे सीख लीजिए तो अंदर वाले पॉइंट पे फिर आप इजीली सीख जाएंगे। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो आपको यहाँ पे सवाल में शेल दिखाई गई दो, एक की रेडियस आर है, एक की रेडियस टू आर है, चार्जेस भी दिखाए गए, एक पे क्यू है और एक पे थ्री क्यू है। तीन पॉइंट्स मेंशन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, एक सबसे बाहर है, बी पॉइंट दोनों शेल्स के बीच में है और सी आपके इनर शेल के अंदर है। आपसे पूछा गया फाइंड आउट EFI एट पॉइंट ए बी एंड सी। आपको जैसे समझ में आया आप एक बार निकालिए, फिर अपने इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता दूंगा अभी कैसे सॉल्व करने सवाल आसान हो जाता है। आप अटेम्प्ट कीजिए पहले इसको। किया बच्चों आपने इसको डिस्कस किया जाए? ठीक, तो मैंने बस ऐसे में चार डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू है आपके पास, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस क्यू इस फेस पे, इस वाले फेस पे क्यू है। ब्लू मार्कर से जो मैं बना रहा हूँ वो चार्ज बना रहा हूँ, इसके अंदर तो कुछ आएगा नहीं बिकॉज अंदर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे कितना फोर क्यू। क्लियर है ये बात? ठीक, मैंने बोला ए पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालने जाना है, ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। तो ए पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो आप बोलेंगे सर इस वाले शेल की वजह से कितना आएगा, इस वाली शेल की वजह से, इस वाली शेल की वजह से वहां पे आएगा। ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं मैं। दोनों तरीके हैं, या तो आप ये समझिए सिर्फ इसकी वजह से ही आएगा, अंदर वाले वजह से नेट मिलकर जीरो हो जाएगा, और अगर आप करना चाहें तो कौन सा करें आप बताइए। आप बेसिकली निकालना, मैं सीधा कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं सिर्फ फोर क्यू की वजह से आएगा, आप कह सकते हो कितना आएगा, के 4q डिवाइड बाय आर ए स्क्वायर। आर ए कैसा सेपरेशन, सेपरेशन आर का, ए का आर ए बोल दीजिएगा, बी का आर बी और सी का आर सी। इसमें दिक्कत हुई होगी तो आप सुन लीजिए, ए पॉइंट का सेपरेशन आर ए मान लेना, बी का आर बी और सी का आर सी। ठीक है बच्चों, आप बेसिक से करेंगे तब भी उतना ही आएगा, आप माने हर एक फेस के से निकालें तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई एफ आई कौन से पॉइंट पे, बी। अब भाई साहब हम अंदर आ गए, तो मैं बेसिक से करता हूं बिल्कुल ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे इस तरीके का। तो देखिए इस वाले शेयर की वजह से कितना आएगा आपके पास, के क्यू, इस वाले शेल के बाहर है कि अंदर है, आप इस शेल के कहां है, बाहर है, और किसी शेल के जब आप बाहर होते हैं तो ई एफ आई आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। कितना है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर, इस माइनस क्यू की वजह से कितना आएगा, इसके ही बाहर है तो ऐसे ही आएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर ए का होल स्क्वायर। इसके भी बाहर है तो क्या लिखेंगे, प्लस के फोर क्यू डिवाइड बाय कितने का स्क्वायर बच्चों आपके पास, दिस इज अगेन आर ए का स्क्वायर। इतनी बात चमक गई आपको? ठीक, अब आप इस बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे इस वाले चार्ज की वजह से, देखिए सबसे पहले सबसे चलो इसकी वजह से देखते हैं, इसके बाहर है ना आप, तो क्या लिखिए, के क्यू डिवाइड बाय आर बी का होल स्क्वायर। सही है बच्चों ये बात? अच्छा, अगर आप इस माइनस क्यू की वजह से देखें, माइनस क्यू तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और शेल के अंदर, ये आप समझ के देखिए, अगर आप इस शेल की वजह से देख रहे हैं इस वाले चार्ज की वजह से, तो आप शेल के अंदर एंटर होंगे तो इस वाली शेल की वजह से अंदर कोई ईएफआई नहीं आएगा। कौन सा शेयर की, मतलब इस वाले चार्ज की वजह से अंदर कोई ईएफआई नहीं आएगा, इसके भी अंदर तो इसकी वजह से भी कोई ईएफआई नहीं आएगा, मतलब इतना ही आएगा। फिर अगर आप बात करेंगे सी पॉइंट के ऊपर ईएफआई निकालने की बात करेंगे, सी पॉइंट पे ईएफआई निकालने की बात करेंगे, तो आप बोल सकते आप इस शेयर के अंदर हैं और शेयर के अंदर होते तो शेयर की वजह से ईएफआई नहीं आता, मतलब इसकी वजह से ईएफआई नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप बात करें सर इस शेयर की वजह से तो इसके भी अंदर है, इसकी वजह से भी ईएफआई जीरो, तो नेट ईएफआई कितना आपके पास, जीरो। ये तो आप ऐसे ही बोल सकते थे, कंडक्टर कैविटी में ईएफआई जीरो होता है, कैविटी में अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ईएफआई जीरो है। पर सर यहां पे भी तो ये बात क्यों नहीं बोली, बिकॉज इसकी कैविटी मान लिया, चलो इसकी कैविटी है पर इसके अंदर चार्ज है ना कैविटी में, इस वजह से ईएफआई है। तो आप कोई भी अप्रोच उठा सकते हैं, कंडक्टर वाले धर्म अपना सकते हैं, बेसिक से भी चल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप ट्राई कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यूज करना चाहते यूज कर सकते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएफआई ड्यू टू कंडक्टिंग शेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब भी काम हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए तूने इसको अंदर वाला बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूट किया, पर यहां पे क्या बना, ये दोनों एलसीएम लेगा, नेट क्या बन जाएगा, के थ्री क्यू, मतलब हमें नेट चार्ज की रिक्वायरमेंट रहती है ईएफआई के लिए। शेल्स पे हर एक फेस पे कितना उसकी जरूरत नहीं है, सेम ही आएगा देख ले पहले तो यहाँ पे, क्योंकि हमेशा ये डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम आएगी, जुड़ेगा तो वापस यूनिट बन जाएगा आपके पास।
आप बेसिक से कर लीजिए, पर बाद में आपको समझ में आएगा कि भाई ईएफआई अगर आपको निकालना होगा तो आपको चार डिस्ट्रीब्यूशन करें, जितने सीधा भी हो जाएगा। पर आपको लग रहा है नहीं सर अभी हम थोड़े कमजोर हैं, अभी हम बिल्कुल मतलब बेसिक लग रहा है, हम बिल्कुल बेसिक चलना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेसिक चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चार डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ईएफआई निकालिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें करना क्या है, आपको किसी पॉइंट पर ईएफआई निकालना, सब पॉइंट्स की वजह से निकालना है, हर एक पॉइंट की वजह से, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल अच्छा है, आपको सही ढंग से सोचना चाहिए इसके बारे में, पहले आप इसको सही ढंग से कर लीजिए, फिर अपने एक और सवाल करेंगे ताकि आपकी और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। आइए, जो हमने लास्ट सवाल किया था उसी की प्रैक्टिस करने के लिए हमने ऐसे बनाया, दो शेल है आपके पास में, एक ये शेल है एक ये शेल है, इस पे सेंटर पे चार्ज कितना रखा, क्यू रखा, इस पे टू क्यू रखा, इस पे थ्री क्यू रखा। अब आपको बोला गया कि इस ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ईएफआई कितना है, ये आपको बताना है बच्चों, सौ से ढंग से करना है, सोच समझ के करना है, ये आपका सही होना ही होना चाहिए। इसमें डिफर क्या है, अब क्या सेंटर पे भी आपने चार्ज रख रखा है, किसी पॉइंट पे निकालने, प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन लगाए, हर एक चीज की वजह से निकाले, तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। करिए इस सवाल को, डिस्टेंस बच्चों मान लेना ए की डिस्टेंस आर ए, बी की आर बी और सी की आर सी, हमें किया जाए, अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, ठीक। तो मैंने बोला चार डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मन कर रहा है आप कर लीजिए, पर आप देखिए बिना चार डिस्ट्रीब्यूट करे भी सेम रिजल्ट आएगा। यहां पे क्यू, तो यहां पे कितना माइनस क्यू, यहां पे कितना बच्चों टोटल टू क्यू था, यहां पे कितना थ्री क्यू, ठीक है, यहां पे थ्री क्यू, तो यहां पे कितना माइनस थ्री क्यू, टोटल थ्री क्यू था सिक्स क्यू। चार डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए आप, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप निकालेंगे ईएफआई एट पॉइंट सी, ईएफआई एट पॉइंट सी, तो आप देखिए इसकी वजह से, इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही आनी है, तो आप दोनों को एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं ना, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना चार डिस्ट्रीब्यूट करे, बिकॉज आप इसकी वजह से क्या लिखेंगे, इसके भी बाहर है आप क्या लिखेंगे, के सिक्स क्यू डिवाइड बाय आर सी स्क्वायर, इसकी वजह से क्या लिखेंगे माइनस के थ्री क्यू डिवाइड बाय आर सी स्क्वायर, तो दोनों में आना लास्ट में क्यू नेट ही है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आपका मन कर रहा है तो अपने बेसिक से कर देते हैं, ये लोग सिक्स क्यू डिवाइड बाय आर सी स्क्वायर, इस सरफेस की वजह से आ गया, इसके ही बाहर है तो सेम लिखा आर सी का स्क्वायर, ठीक है सर। इसके देखिए इसके भी बाहर है तो आप क्या लिखेंगे के थ्री क्यू डिवाइड बाय आर सी का स्क्वायर, इसके से लिखे तो क्या लिखेंगे माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर सी का स्क्वायर, ठीक है। इसके भी बाहर है तो आप क्या लिखेंगे के क्यू डिवाइड बाय आर सी का स्क्वायर। अब आप मेरी बात समझिए, मैंने बोला क्यू नेट, देखिए अब इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तब भी तो उतना ही आएगा, ये नेट क्या बनेगा इन दोनों की टर्म, दैट इज के 3q डिवाइड बाय RC स्क्वायर, ये क्या बनेगा K2q डिवाइड बाय RC स्क्वायर, तो अगर आप चार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें तब भी सेम रिजल्ट आता, सही है बच्चों, इसी आ गया आपके पास, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे ये आएगा KQ नेट के बराबर आएगा, ये Q नेट कितना है आपके पास, दिस विल बी 6 और 3 3 6q ना, K6q डिवाइड बाय RC स्क्वायर, ये इसका ईसी आ गया। EB पे चलते हैं, EB पे अगर आप देखेंगे इस Q के बाहर हैं तो क्या बाहर, अगर आप किसी शेल के बाहर होते क्या लिखते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अगर आप इसकी वजह से देखेंगे तो इसके भी बाहर है तो आप क्या लिखेंगे माइनस के, पहले इसकी वजह से लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे प्लस थ्री क्यू, सीधा लिख देता हूं के टू क्यू डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है यार इसकी वजह से भी उतना ही आएगा, इसकी वजह से भी उतना, फिर नेट क्यू नेट जुड़ना ही है, सीधा ही कर दो ना, क्यू नेट जो है ईबी आ गया सर, इसकी वजह से जीरो आएगा, बिकॉज जब आप किसी शेल के अंदर होते हैं तो शेल की वजह से कितना आता है जीरो, क्लियर है ये बात, ठीक। ये बी पे आ गया, अब आप बात करो सी पे, तो सी पे तो हो ही गया, आप किसे बात करें, हम ए पे बात करते हैं, ए पे बात करते हैं तो इस शेल के भी अंदर है, इसकी वजह से जीरो, इस शेल के भी अंदर है, इसकी वजह से जीरो, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इस क्यू की वजह से, कितना आएगा के क्यू डिवाइड बाय आर ए स्क्वायर। आई होप अब आपको बातें चमकनी लगी होगी, क्लियर है, और सवाल की जरूरत है क्या, एक और लास्ट कर लेते हैं फिर इसके बाद इसको छोड़ देंगे, एक और सवाल कर लेंगे, छापिए आप इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या तीन शेल्स बना दी, पर बच्चों मेरे हिसाब से अगर आपने पहले समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, शेल आपको दिखाई दे रही है सेंटर पे चार्ज है क्यू, फिर टू क्यू, फिर फोर क्यू, फिर सिक्स क्यू, ए बी सी डी चार पॉइंट्स हैं आपके पास, और आपको बोला गया कि बताइए कि ए बी सी डी चारों पॉइंट के ऊपर ई एफ आई कितना होगा। मान लो अगर कोई पॉइंट इसके मीट में होता, मान लीजिए कोई पॉइंट, मान लो ये अगर पूरा सॉलिड होता आपके पास में, सॉलिड स्फीयर होता, तब मैं पूछता डी पॉइंट पे ई एफ आई, अगर सॉलिड होता तब कितना आता जीरो, बिकॉज वो कंडक्टर मीट में ई एफ आई हमेशा कितना आता है जीरो,
क्लियर। पर ऐसा नहीं है, आपके पास में कैविटीज ऐसे बनाई हुई है, तो आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट पे ईएफआई निकालना है, या फिर होमवर्क है, आप इसको कर लेंगे इजीली। आप इस सवाल को करिए और इंजॉय करिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया? हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया, ईएफआई निकालना सीख लिया। किसकी वजह से? शेल की वजह से। पोटेंशियल में लोगों को आसानी रहती है और ईएफआई में कई बार लोग फंस जाते हैं। अगर आप मान लीजिए कभी फंस जाए तो बेसिक अप्रोच पे जाइए। बेसिक अप्रोच क्या है आपके पास? आप प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यूज कीजिए। हर एक शेल की वजह से आप वहाँ पे ईएफआई या फिर हर एक शेल की वजह से पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल निकालिए, आप कभी नहीं फंसेंगे। देख, पोटेंशियल में आपको हमेशा यही करना है, आपको हर एक शेयर की वजह से निकालना है। ईएफआई में दो तरीके हैं, या तो आप कंडक्टर के धर्म लगा दीजिए, कई बार धर्म से रिजल्ट सही आ जाते हैं, और अगर आप धर्म नहीं लगाना चाहते तो आप बेसिक से हमेशा ही सही आएगा, बेसिक कभी नहीं फंसेगा, धर्म भी कभी नहीं फंसेगा। तो ईएफआई निकालते वक्त आप धर्म भी यूज कर सकते हैं, बेसिक भी यूज कर सकते हैं, पर पोटेंशियल निकालते वक्त हमेशा प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन यूज करें। एक चीज पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज। ये फ्लो ऑफ चार्ज कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको पुरानी बात याद करवाता हूँ। अगर आपको याद होगा, जब हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था उसमें कंडक्शन मेथड था, याद है आपको? क्या होता था कंडक्शन मेथड? कंडक्शन मेथड में ये होता था, जब आप एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से ज्वाइन करते हैं या फिर टच करते हैं, तो क्या होता है, एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर मूव कर देता है। ऐसा पढ़ा आपने, ठीक। मैंने वहां पे आपको, अगर आपको याद होगा, तो मैंने उसमें लिखवाया था कि चार्ज जो आपके पास में नेट है, जैसे मान लीजिए आपने इस वाली बॉडी पे कुछ चार्ज था नेट क्यू, इनिशियल चार्ज कितना था इस पे कुछ क्यू, दूसरी बॉडी कैसी थी इनिशियली न्यूट्रल, ठीक है बच्चों। आपने इसको टच करवा दिया, आपस में टच करवा दिया, तो क्या होगा, इस वाली बॉडी पे कुछ क्यू वन चार्ज आएगा, इस बॉडी पे कितना आएगा क्यू टू आएगा। मैंने वहां पे हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे कि सर इस पे क्यू वन आएगा, इस पे क्यू टू आएगा, क्यू वन की वैल्यू कितनी, क्यू टू की वैल्यू कितनी हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि दोनों पे जो नेट चार्ज का सम होगा वो इनिशियल चार्ज के बराबर होगा, बिकॉज किसकी वजह से, चार्ज कंजर्वेशन की वजह से। इतनी बात सही है। अभी वो टाइम आ गया जब मैं आपको बता सकता हूं भाई साहब क्यू वन की वैल्यू कितनी होगी और क्यू टू की वैल्यू कितनी होगी। अब हम समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि जब आप एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से टच करते हैं तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाता है, और कितना जाता है, कब तक जाता है, क्या कारण है उसका, उस पे चर्चा करने का वक्त आ गया है। क्लियर। तो टॉपिक का नाम आपका फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। अब सुनिए मेरी बात को, हम इसको मिटाते हैं, हम थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास में दो कंडक्टर हैं, आपके पास में दो कंडक्टर है, ये ऐसे कंडक्टर वन है आपके पास में, और ये यहाँ पे ऐसे कंडक्टर टू है। दोनों को आपने राज सेपरेशन पे रखा, राज दूरी पे रखा हमने ना। अब आपने क्या किया, इस पे चार्ज कुछ था आपके पास में क्यू वन, और इसका पोटेंशियल कुछ कितना था, मान लो इसका पोटेंशियल कुछ था वीवी वन, और इसका पोटेंशियल कितना था इनिशियली वी टू। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका पोटेंशियल कितना आपके पास V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2। हम इनके बीच में सेपरेशन थोड़ा लार्ज मान रहे हैं। लार्ज मानने से बेनिफिट क्या है कि ये पोटेंशियल सिर्फ खुद के चार्ज की वजह से आया, पर अगर मान लीजिए ये चार्ज पास में होता तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, तो मैं पूछूंगा इसका पोटेंशियल कितना था, आप बोलेंगे इसका पोटेंशियल KQ/r। पर मान लीजिए इसके पास में एक और स्फीयर रखा हुआ है Q, तब इसका पोटेंशियल KQ/r नहीं होगा, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आपके पास आएगा। तो हमने क्या करा, इसे लार्ज सेपरेशन पे रखा है, जिसमें आप ये बोल पा रहे हैं कि भाई इसका जो पोटेंशियल है इसी के चार्ज की वजह से, और इसका जो पोटेंशियल है इसी के चार्ज की वजह से है, दोनों में इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब सुनिए, जैसे ही आप इनको एक वायर से ज्वाइन करते हैं, वायर से ज्वाइन करना या फिर डायरेक्टली टच करवाना, दोनों एक ही बात है। वायर से ज्वाइन कराएंगे तब भी चार्ज मूव कर सकता है, डायरेक्टली टच कराएंगे तब भी मूव कर सकता है। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? सर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टर में चार्ज फ्लो ही नहीं करता। इज इट क्लियर? ठीक। अभी क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे तो इसका पोटेंशियल है V1, तो इस पे कुछ चार्ज भी होगा आपके पास में, कुछ Q होगा इस पे, और इस पे कुछ Q' होगा, ऐसा कुछ चार्ज होगा आपके पास। तो जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे तो कुछ चार्ज यहां से यहां पे जा सकता है, या फिर वाइसा वर्सा हो सकता है, कुछ चार्ज यहां से यहां पे जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? इस पे चार्ज Q माना है, इस पे इनिशियली Q' माना। हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आता है, ऐसा होगा क्यों? ऐसा दोस्त इसलिए होगा कि मान लें इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मान लिया था इसका पोटेंशियल क्या है ज्यादा, और इसका पोटेंशियल क्या है कम। तो चार्ज क्या चाहता है, हर एक चीज चाहती है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करे। मैंने बोला ये मार्कर था, इसको छोड़ा, नीचे गिर गया। क्यों गिर गया भाई साहब? बिकॉज नीचे गिरने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। हर एक सिस्टम चाहता है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करे, अपनी एनर्जी को कम करे, सही। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसके पास कुछ अगर इसका पोटेंशियल V1 ज्यादा है, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ज्यादा होगी। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी? Q into में भी, तो Q1 V1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, Q2 V2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें समझ में आ गया सर जी कि अगर मान लीजिए आपने इसका पोटेंशियल लिखा, मान लीजिए हम ऐसे मानते हैं, हम पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं इसका पोटेंशियल कुछ आपके पास में V1 है, और इसके ऊपर चार्ज की वजह से आया है, और इसमें पोटेंशियल कुछ V2 है, और आपको पता है सर V1 बड़ा है किससे, V2 से।
इसका पोटेंशियल ज्यादा है V2 से। तो जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो चार्ज है उसका पोटेंशियल क्या है, कम है। तो वो क्या करेगा, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करना शुरू कर देगा ताकि अपनी एनर्जी को कम कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक सेटअप चाहता है कि अपनी एनर्जी को कम करे। तो इसमें अगर वो यहां पे रहता है तो यहां पे ज्यादा पोटेंशियल है तो ज्यादा एनर्जी है, तो ये चाहता है क्यों ना हम एक काम करें, इसमें चार्ज कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास तो वो चाहता है मैं क्यों ना ऐसे कुछ काम करूं, कुछ चार्ज मेरा वहां पर चला जाए ताकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए आपके पास, कम हो जाए। तो चार्ज कब तक फ्लो करता है, चार्ज को फ्लो करवाने का कोज क्या है, चार्ज को फ्लो करवाने का कोज है पोटेंशियल। अगर भाई साहब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास में सेम होता, अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता आपके पास सेम होता तो चार्ज फ्लो नहीं करता। अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक तो दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। आई होप आपको बात चमक गई होगी। अब आपको करना क्या है, जब भी दो कंडक्टर कभी ज्वाइंट होंगे, जब भी दो कंडक्टर क्या होंगे आपके पास में ज्वाइंट होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको तब तक चार्ज फ्लो करवाना है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज किसकी वजह से फ्लो करता है, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है आपके पास, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है आपके पास, पोटेंशियल। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज जब तक फ्लो होगा एट स्टडी स्टेट डेल्टा वी कितना बन जाएगा आपके पास, जीरो बन जाएगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा। यही बात ऊपर देखिए लिखी हुई है इसके अंदर, व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अंटिल और अनलेस पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। तो फाइनल में ये करना है, जब आप किसी दो कंडक्टर को ज्वाइन करें तो आपको चार्ज फ्लो करवाना है, कब तक करवाना है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए फिर अपने से कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें क्या सीखा, कि अगर आप कभी भी दो कंडक्टर को आपस में टच करते हैं वायर के थ्रू या फिर डायरेक्टली, तो कब तक चार्ज फ्लो करेगा, तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी हमने जो किया है, इस तरीके सवाल फेमस है आपके पास, इसमें क्या था, आपके दो शेल्स हैं, इस वाले शेल की रेडियस आप मान लीजिए कुछ आर मान लीजिए शेल की रेडियस, और इस वाले शेल की रेडियस कितनी मान लीजिए आप कुछ 2R मान लीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? आपको ये बोला गया कि इनिशियली इनर शेल पे चार्ज क्यू था, आउटर शेल पे चार्ज को 2Q था, और स्विच को बंद करने के बाद में हर एक शेल पे कितना कितना चार्ज रहेगा ये आपको बताना है, ये आपका टारगेट है। मैंने बोला मुझे ये सब नहीं पता क्या होगा, पर मुझे इतना पता है अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों शेल्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो होगा क्या कि दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, मतलब फाइनल कंडीशन के अंदर दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला भाई साहब इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको आपने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा, ये चार्ज कुछ यहाँ पे फ्लो कर सकता है। तो मैंने माना इस पे फाइनल चार्ज कुछ क्यू है, इस शेल पे फाइनल चार्ज कितना मान लिया क्यू, बिकॉज पहले कैपिटल क्यू था, अब कुछ फ्लो कर गया होगा आपके पास तो मान लिया यहाँ पे फाइनल कितना बचा, क्यू बचा। अगर यहाँ पे फाइनल क्यू बचा तो यहाँ पे कितना बचा होगा, टोटल कितना है आपके पास, 3Q है टोटल। भाई इन दोनों शेल पे मिला के टोटल 3Q है ना, पहले आप सिर्फ इस शेल को आइसोलेटेड मान सकते थे, पर अब आप नहीं मान सकते बिकॉज ये वायर से ज्वाइन है, और अगर ये वायर से ज्वाइन है आपके पास में तो इन दोनों पे ये अब आपस में मिलके आइसोलेटेड सिस्टम होंगे दोनों मिलके, मतलब अब इन दोनों पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, पहले सिर्फ एक शेल पे कंजर्व रह रहा था। इतनी बात आपको चमक रही है बच्चों? ठीक, तो आप बोले सर टोटल इस पे इन दोनों मिला के 3Q होना चाहिए, यहाँ पे क्यू तो यहाँ पे कितना 3Q-Q, ये फाइनल चार्जेस मैंने बनाए हैं, ये इनिशियल चार्ज थे। तो इनिशियल चार्ज मिटा देते हैं हम, आपने सवाल लिख लिया ना, आप पहले सवाल लिख लीजिए फिर मैं इनिशियल चार्ज मिटा रहा हूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि भी हमें ये पता लग जाए इस क्यू की वैल्यू कितनी है। अब मैंने बोला मुझे तो एक ही बात पता है भाई साहब, इनर शेल का और आउटर शेल का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैंने पहले पोटेंशियल लिखना सीखा, मैं सीख चुका हूं पहले। वी ऑफ इनर शेल बताइए कितना होगा, वी ऑफ इनर शेल, पोटेंशियल ऑफ इनर शेल कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप पोटेंशियल ऑफ इनर शेल? तो आप बोलेंगे सर हमें इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल। तो इस वाले पॉइंट का अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे, इनर शेल के ऊपर यही पॉइंट है ना, आप इसका नाम ए मान लो, इस वाले पॉइंट का नाम बी मान लो, मतलब अगर आप बोल रहे हैं इनर शेल का पोटेंशियल मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल, और वो कैसे निकालेंगे देख, सबसे पहले इस वाले शेल की वजह से लिखा, इस वाले शेल की वजह से ए का पोटेंशियल लिखा, तो आप क्या बोलेंगे ये वाली शेल के ए पॉइंट अंदर है, और जब कोई चार्ज अंदर होता है तो पोटेंशियल आता है के उसका क्यू डिवाइड बाय कितना 2R। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज ए पॉइंट शेल के अंदर है। ठीक है, फिर अगर आप बात करेंगे ये कौन से वाले की वजह से आया, इस वाली शेल की वजह से आया। अब इस वाली शेल की वजह से लिखते हैं, इस वाली शेल की वजह से, इस शेल के आप क्या जस्ट बाहर हैं, जस्ट बाहर है तो क्या पोटेंशियल आएगा आपके पास में, प्लस के क्यू बाय आर। पोटेंशियल लिखना हम पहले सीख चुके हैं, वो इसीलिए सीखा ताकि इस तरीके सवाल हम फटाफट हिट कर पाए। ठीक, फिर आप बोलेंगे सर बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, तो आप बोलेंगे सर आप इस वाले शेल के बाहर हैं जस्ट, तो इसकी वजह से लिखा तो कितना है के
थ्री क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय कितना आपके पास 2r, ठीक है। फिर इस वाले शेल की वजह से लिखा तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज के क्यू बाई 2r। अब मैं जानता क्या हूं, मैं ये जानता हूं कि आपने दोनों शेल को ज्वाइन कर दिया। अगर आपने दोनों शेल को ज्वाइन कर दिया तो वी ऑफ इनर शेल, वी ऑफ इनर शेल ये क्या है, वी आउटर शेल का है ये, आउटर शेल। तो वी ऑफ इनर शेल किसके बराबर आना चाहिए, वी ऑफ आउटर शेल। इतनी बात चमक रही है बच्चों, ठीक है। आप दोनों को बराबर कर दीजिए, अगर आप दोनों को बराबर करेंगे तो आप बोलेंगे थ्री क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई टू आर प्लस के क्यू बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू के थ्री क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई टू आर प्लस के क्यू बाई टू आर। समझ में आ रही है मेरी बात, इसने इसको मार दिया, हमने सिंपल जो हमारा काम था वही किया, हमने पोटेंशियल बराबर कर दिए। अच्छा अब अगर आप देखें के क्यू से के क्यू साफ हो गया, सब सब, सब साफ हो रहा, मतलब ऐसा ही हुआ ना आपके पास में, ये यहां पे साफ हो गया आपके पास। रुको रुको इसको ऐसे करते हैं, इतना सही है बच्चों, ये साफ हो गया। फिर आप क्या देखेंगे, इसको ऐसे पढ़ा दो के क्यू, फिर आप बोलते के क्यू बाय टू आर की वैल्यू आ रही है जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी, जीरो। इसका मतलब भाई साहब इस वाले शेल पे फाइनल चार्ज कितना बचेगा, जीरो, क्योंकि वैल्यू जीरो, और इस पे फाइनल कितना बचेगा थ्री क्यू, तो ये आंसर आएगा तेरे पास। सर फाइनल चार्ज इसके ऊपर कितना क्यू, और इस पे कितना, सॉरी इस पे फाइनल कितना जीरो, और इस पे कितना थ्री क्यू। मतलब क्या हुआ, सारा चार्ज इनर शेल से आउटर शेल के ऊपर चला गया। ये बात आप सीधा भी समझ सकते थे, ये बात आप सीधा भी समझ सकते थे। कैसे समझ सकते थे आप, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने इनका पोटेंशियल, इनको इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, किसको, इसको इसको, अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो आप क्या बोलेंगे, इन दोनों का आपने ज्वाइन कर दिया मतलब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। और अगर इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए तो आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर डेल्टा वी जीरो है पूरे रीजन में तो यहां पर ई भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो पैटर्न कुछ इस तरीके का बनना चाहिए चार्ज का ताकि इस यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, और यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना आने का एक ही तरीका है कि इस वाले शेल पे कोई चार्ज ना आए। ये जो आउटर शेल है ना इसके ऊपर कोई चार्ज आना नहीं चाहिए, मतलब इनर शेल का जो आउटर है ना आपके पास में उस पे कोई चार्ज आना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर यहां पे चार्ज आ जाएगा आपके पास में, बिकॉज अगर यहां पे कोई चार्ज आ जाएगा तो उससे दिक्कत क्या हो जाएगी, उससे यह दिक्कत हो जाएगी आपके पास कि यहां पर ई एफ आई आ जाएगा। बिकॉज यहां पर जो ई एफ आई आ रहा होगा इस वाले पॉइंट पर जो ई एफ आई आ रहा होगा, पहली बात तो अंदर वालों की वजह से तो आएगा ही नहीं, अंदर वाली वजह से तो आएगा नहीं, बिकॉज अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ इसी की वजह से आएगा आपके पास, बाहर का अंदर भी नहीं आ सकता। तो अगर आप कभी भी ऐसे ज्वाइन किया हो तो आप ये ध्यान रखना कि इनर का जो आउटर सरफेस है उस पे चार्ज कितना आएगा आपके पास, जीरो आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज अगर आप यहां से यहां पर चलेंगे तो आपके पास डेल्टा भी जीरो है तो ई भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो हम यहां पर फीलिंग लिख रहे थे, जो हमें फील आया, हमें फील क्या आया, हमें यह फील आया कि ई एफ आई बिटवीन इनर एंड आउटर शेल, इनर एंड आउटर शेल शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। और अगर आपके पास में इनर और आउटर शेल के बीच में ई एफ आई जीरो है बच्चों, अगर आपके पास में इनर और आउटर शेल के बीच में ई एफ आई जीरो है, और अगर सी एफ आई को जीरो करेंगे क्या कंडीशन है आपके पास में, आपके पास यही कंडीशन है कि भाई साहब इस वाले शेल पे जो इनर का आउटर फेस है उस पे चार्ज ना हो, अगर उस पे चार्ज होगा तो ईएफआई आ जाएगा। अंदर वाली शेल की वजह से बाहर ईएफआई आ नहीं सकता, और ये बाहर वाली वजह से अंदर नहीं आ सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, तो बेसिक अप्रोच तो यही है, आप पोटेंशियल लिखिए, आप जीरो कीजिए, पर इसमें आपको डायरेक्टली आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है बच्चों। आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़िए। बच्चों सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, वैसा ही सवाल है, दो शेल है, एक रेडियस आर है, कंडक्टिंग की बात चल रही है, पूरे चैप्टर में अभी कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं, तो लिख देता हूं ये कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल्स। तो आपको बोला गया दो शेल्स हैं, एक पे चार्ज 3q एक पे 4q है। अब क्या सेंटर पे भी चार्ज रखा गया q, आपको बोला गया अगर इनर और आउटर को एक वायर से ज्वाइन कर दिया जाए, इनर और आउटर शेल को, तो बताइए हर एक शेल पे कितना चार्ज आएगा आपके पास, और सिस से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप बेसिक से ही करेंगे, सबसे पहले आप किससे करेंगे, बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद में जो अपने तरीका सीखा उससे फटाफट हो जाएगा सवाल। पहले बेसिक से करना है, अटेम्प्ट कीजिए सवाल को। हाय बच्चों हुआ ठीक, बेसिक अप्रोच आपने लिख लिए चार्जेस वार्जेस, अब मेरी बात सुनिए।
इस पे चार्ज मान लेते हैं कुछ क्यू चार्ज बचा, इस पे कितना बचा फाइनल क्यू, कुछ फ्लो हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा होगा। अब ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है तो इसका चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है, इसका यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है। मतलब दोनों पे जो नेट चार्ज रहेगा, दोनों पे जो नेट चार्ज रहेगा वो कितना रहना चाहिए आपके पास में, यहाँ पे 3q था, यहाँ पे 4q था, 7q रहना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना का 7q माइनस क्यू। कंसेप्ट ये बोलता है कि इस वाले पॉइंट का नाम ए मान लो, इस वाले पॉइंट का नाम बी मान लो, स्विच को बंद करने के बाद में आफ्टर क्लोजिंग स्विच, After closing switch, क्या होना चाहिए बच्चों आपके पास, that is VA should be equal to VB. VA और VB की जो potential है वो बराबर हो जाना चाहिए। आइए अब उसको बराबर करते हैं। अगर आप इनको बराबर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आपने सबसे नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, मैंने बना लिया। अब आप नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग A पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए। क्लियर, तो आपने लिखा VA के लिए क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आउटर शेल की वजह से लिखा, आउटर शेल के, तो आउटर शेल के जस्ट बाहर है आप, तो क्या लिखेंगे K 7Q माइनस क्यू डिवाइड बाई 2R आउटर शेल की वजह से। ठीक, फिर अगर आप इनर शेल की वजह से लिखें तो क्या लिखें, के क्यू डिवाइड बाई 2R, इतना सही है बच्चों। फिर आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से लिखेंगे इस पॉइंट पे, तो कितना आएगा के क्यू बाई 2R। अगर आपको पोटेंशियल लिखने में दिक्कत हो रही है बच्चों तो एक बार आप रुकिए, पहले जो सवाल हमने पोटेंशियल किए थे वापस देखिए। सीधी सी बात है, प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन लगा रहे हैं, हरेक की वजह से लिखना है, हरेक शेल हरेक पॉइंट चार्ज सबकी वजह से लिखना है, लिख दिया बच्चों। ठीक, अब बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं। आइए बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, सबसे पहले इसकी वजह से लिखते हैं, इस चार्ज की वजह से, तो मैं बोलूंगा आप इसके अंदर हैं तो आप क्या लिखें, के 7q माइनस क्यू डिवाइड बाय 2R। ठीक है, ओके। अब इस इनर शेल की वजह से लिखते हैं, इसके जस्ट बाहर है आप, तो आप क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाय आर, बहुत बढ़िया। फिर आप उस क्यू चार्ज की वजह से लिखे तो क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाय आर, चमक रही इतनी बात, कोई दिक्कत है इसके अंदर। VA लिखा आपने, VB लिखा, पोटेंशियल लिखना मैंने पहले इसीलिए सिखाया था बिकॉज मुझे यहां पे जरूरत थी। अब सवाल गोल हो गया, सवाल में क्या करना है, VA और VB को बराबर करना है। आओ फटाफट कर देते हैं। अगर आप इसको बराबर करने जाएंगे, VA और VB को बराबर करने जाएंगे, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, दिखाई दे रहा है आपको, तो बचेगा क्या उधर, के क्यू बाय 2R प्लस के कैपिटल क्यू बाय 2R इज इक्वल टू के क्यू बाय, ऐसा टर्म बन जाएगा। अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे, ये वाली टर्म इधर लेके जाएंगे, तो इधर तो बनेगा के क्यू डिवाइड बाय 2R, इसको इधर लेके जाएंगे अगर आप, तो माइनस के क्यू बाय 2R, इतनी बात सही है, ये साफ हो गया आपके पास। तो यहां पे आया क्यू की वैल्यू माइनस क्यू आई, क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस क्यू। मतलब अगर आप फाइनल जवाब लिखेंगे, फाइनल जवाब कैसा है, अब सुनना मेरी बात को, आपको समझ में आ रहा है, ये यहां पे इनर शेल बना दिया, यहां पे ऐसे आउटर शेल बना दिया, यहाँ पे कितना चार्ज आया आपके पास, Q है, ओके, तो इस शेल पे कितना चार्ज आया फाइनल, माइनस Q आया, और इस पे अगर माइनस Q आया तो यहाँ पे कितना आया, 8Q आया, समझ में आ रहा है। ये बेसिक अप्रोच थी सर, हमें थोड़ा फटाफट जुगाड़ बताओ ना आप, क्या कैसे करना है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये दो शेल अगर आपके पास में कभी भी हो, बस एडजेसेंट सेल को कभी भी ज्वाइन किया जाए, अगर आपने साथ वाली शेल्स को कभी क्या किया, ज्वाइन किया होगा, तो उस वाले केस में क्या करना है, होना क्या चाहिए कि जिन दो शेल को ज्वाइन किया उन फेसेस पे चार्जेस नहीं आने चाहिए। अब आप देखिए फाइनल रिजल्ट में ऐसा ही हो रहा है, देखिए यहां पे अगर आपने क्यू रखा तो इस पे कितना आएगा, माइनस क्यू, और यहां पे इस पे टोटली माइनस क्यू था, तो यहां पे कितना बचेगा, जीरो, यहां पे जीरो, तो यहां पे जीरो, यहां पे 8Q। मास्टर क्या बोल रहा है, मास्टर ये बोल रहा है फाइनल रिजल्ट जब आप इसका देखेंगे ना, कोई भी केस बना लीजिए, अगर उसमें एडजेसेंट शेल्स ज्वाइन होगी, अगर कभी एडजेसेंट सेल्स ज्वाइन हुई, तो ये जो फेसेस होंगे ना आपके पास में, जिन फेसेस को ज्वाइन किया गया होगा, जो आमने सामने वाले फेस होंगे, इन पे चार्जेस हमेशा कितने आएंगे, जीरो आएंगे। क्लियर, तो आप जुगाड़ लिख सकते हैं, जुगाड़ अपनी भाषा में लिखिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं जुगाड़। जुगाड़ में ये लिखना है कि अगर एडजेसेंट शेल्स को ज्वाइन किया गया, एडजेसेंट शेल्स को ज्वाइन किया गया, फर्स्ट के बाद सेकंड ज्वाइन होनी चाहिए। क्लियर, अगर आपने से एडजेसेंट शेल को ज्वाइन किया तो उस वाले केस में क्या होगा आपके पास, कि जो फेसेस हैं आपके पास में आमने सामने की फेसेस, मतलब इनर शेल का बाहर वाला और आउटर शेल का अंदर वाला, तो जो आमने सामने के फेसेस होंगे उन पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, जीरो। मैंने लिखा नहीं है, अपनी भाषा में लिखेंगे, अगर एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन किया जाए तो आमने सामने के फेसेस पे हमेशा चार्ज कितने आते हैं आपके पास, जीरो। ये ऐसे जुगाड़ नहीं, इसका लॉजिक भी है, लॉजिक ये है, अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया मतलब आप चाहते हैं इसका पोटेंशियल बराबर हो, और अगर इसका पोटेंशियल बराबर हो तो यहाँ पे EFI जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे EFI बच्चों तभी जीरो होगा आपके पास में जब इन दोनों फेसेस पे चार्जेस कितने होंगे, जीरो होंगे। ठीक है बच्चों, छाप लिया आपने, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, वो आपको फटाफट करना है, और जुगाड़ से ही आप कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं ना आपको। ठीक है, आप इसको छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपको वैसा सवाल दिया गया, आप इस चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मैं बता देता हूँ फिर डायमेंशन, इसकी रेडियस कुछ आर मान लेना, इसकी रेडियस कुछ टू आर मान लेना, इसकी रेडियस कुछ थ्री आर मान लेना, पर इन तीनों ही रेडियस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मास्टर बोल रहा है। अब आपको सवाल में बोला गया कि इससे पहले वाले सवाल में चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच नहीं निकाला था ना, तो आप खुद निकाल के वो जवाब बताइएगा आपका क्या जवाब आया, आप कर पाएंगे इतना, आपको पता ही नीचे चार्ज कितना है फाइनल कितना है, तो आप देख पाएंगे कितना कहां से कहां मूव किया। इस वाले केस में हम उसको निकालेंगे, आपको दिखाया गया ये सेटअप, आपको बोला गया स्विच को क्लोज करने के बाद में हर एक शेल पे कितना चार्ज रहेगा आपको ये बताना है, और चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच कितना आएगा ये बताना है। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। कर फटाफट इसको। ठीक है बच्चों, अटेम्प्ट किया आपने, ठीक। मैं तो जुगाड़ से कर रहा हूं पर बेसिक से आपको करना है, रिजल्ट अपना मैच करवाना है। देख यहां पे शेल बना दी, एक दो और तीन शेल बना दी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मतलब यहां पे चार्ज कितना आना चाहिए जीरो और यहां पे कितना आना चाहिए जीरो। अगर आप एडजेसेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो जो एडजेसेंट मतलब आमने सामने फेस पे चार्ज कितना आना चाहिए जीरो, इतना हो गया बच्चों, ठीक। यहां पे अगर क्यू है तो इस इनर पे कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा, सही है ये बात। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेल पढ़ा है हमने, अगर इस पे यहाँ पे सेंटर पे क्यू है तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, माइनस क्यू, बिकॉज गॉस लॉ की वजह से नेट अंदर जीरो करना पड़ेगा। अच्छा इस पे टोटल चार्ज आपका इस पे टू क्यू, इस पे टोटल चार्ज कितना है टू क्यू, तो बाहर वाले फेस पे कितना आएगा बच्चे थ्री क्यू आएगा, यहाँ पे थ्री क्यू तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस थ्री क्यू, क्लियर, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। अच्छा अब सर मैं सर थोड़ा दुखी हो गया, अभी कैसे दुखी हो गया, तो सर इस पे टोटल यहाँ पे माइनस थ्री क्यू था, ठीक है थ्री क्यू मैच कर गया कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर आ गया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे आपके पास माइनस थ्री क्यू आ गया, इन दोनों टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, इन दोनों टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे सर जी यहाँ पे माइनस थ्री क्यू, यहाँ पे कितना आपके पास फोर क्यू, इन दोनों में टोटल मिला कितना होना चाहिए क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस थ्री क्यू आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा फोर क्यू आएगा, तो चार्ज फ्लो कितना किया जीरो चार्ज फ्लो किया ना, तो मजा नहीं आया सवाल में यार ये, मतलब वैसे ही रह गया कुछ फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा थोड़ा ठीक है सवाल थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना, गलती से पता नहीं कैसे हुआ ये और अपने आप वैसे ही पाया, वही रिजल्ट आया जो हम नहीं चाहते थे, रिजल्ट वही आएगा भी कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा इसमें, अभी आप वैसे ही सीधा लिख रहे तभी पोटेंशियल जीरो आ रहा होगा, मतलब अगर आप इनिशियली करते हैं तभी पोटेंशियल दोनों का बराबर आ रहा होगा शायद। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे प्लस कर लो, ऐसे सवाल बदल लेते हैं यहाँ पे कितना कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, अब आप सॉल्व करके बताइए तो एक बार कितनी वैल्यूज आ रही है आपके पास, बढ़िया पक्षियों की आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है बढ़िया एंजॉय करो। चार्ज में सर क्या बदला क्या सवाल है, माइनस थ्री क्यू था प्लस थ्री क्यू कर दिया आपकी बार, कह रहे सवाल को तो यहां पे क्यू तो यहां पे कितना आएगा बच्चों माइनस क्यू आएगा, ठीक है सर अगर यहां पे माइनस क्यू आएगा आपके पास में तो इस पे टोटल कितना था टू क्यू था, टू क्यू था तो यहां पे कितना आएगा थ्री क्यू, तो यहां पे कितना आएगा माइनस थ्री। अब डाउट ये आता है सर इस वाली शेल पे टोटल चार्ज माइनस थ्री क्यू बच गया, बिकॉज यहाँ पे माइनस थ्री क्यू यहाँ पे जीरो है, पर आपने लिखवाया था प्लस थ्री क्यू तो बराबर ही नहीं हुआ भाई, अब की बार जरूरी नहीं है ना, अब की बार ये शेल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये शेल इससे कनेक्टेड है, इन दोनों पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा अब की बार, इन दोनों पे मिला के इस किसी अकेले पे नहीं रहेगा, शेल टू पे अकेले पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा नहीं रहेगा, फिर रास्ता दिया ना चार्ज को मूव करने के लिए। अब तो देखिएगा सर इनिशियली इस शेल पे चार्ज था 3q, अब इस पे टोटल चार्ज है माइनस 3q, सर ऐसे कैसे, अरे भाई हो सकता है ना वायर से कनेक्ट तो किया तूने, ठीक है सर अब थोड़ा सा मुझे चमक रहा तो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पे टोटल मिला के कितना 7q होना चाहिए था, अभी कितना है यहां पे माइनस 3q, तो यहां पे कितना आएगा तेरे पास 10q, चमक गया ये तेरे पास फाइनल जवाब आना चाहिए, बेसिक से कर ले तब भी यही आंसर आएगा तेरे पास। अच्छा अब तेरे से चार्ज फ्लो कितना किया, तो चार्ज फ्लो देख पहले इस शेल पे कितना था 4q, अब इस शेल पे कितना आ गया 10q, तो क्या बोलेगा 7q चार्ज फ्लो फ्रॉम शेल टू टू शेल थ्री, शेल नंबर दो से लेके शेल नंबर थ्री पे कितना चार्ज गया 7q गया, सॉरी 6q, 6q गया सर, कैसे पता लगा, देख पहले शेल पे कितना था 4q, अब कितना बन गया 10q, तो प्लस 6q आया होगा ना, तभी तो ऐसा बना होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, नेगेटिव लिखे जस्ट का उल्टा लिख सकता है कि माइनस 6q चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस, तब भी एक ही बात है, प्लस लिख रहा है तो
मेरी बात समझ में आ गई आपको? पहले 4q था, अब 10q बच गया। फाइनल माइनस इनिशियल कर ले, कितना बचा? 10q, मैं सॉरी 6q, मतलब 6q चार्ज दो नंबर शेल से तीन नंबर शेल पे गया। अगर तू नेगेटिव चार्ज के बारे में लिखना चाहता है तो ऐसे देख, इस वाले शेल पे पहले कितना था? प्लस 3q, अब कितना है तेरे पास? माइनस 3q। तो क्या करेगा तू? माइनस 3q माइनस, इसको माइनस करेगा तो टोटल क्या है? माइनस 6q। तो अगर प्लस 6q यहां से यहां गया तो ऐसे भी तो बोल सकता हूं माइनस 6q यहां से यहां गया, एक ही बात तो है भाई। अगर प्लस इधर मूव किया होगा तो नेगेटिव इसका जस्ट उल्टा मूव किया होगा, क्लियर? तो दोनों बोल सकता है तू कि प्लस 6q कहां से कहां मूव किया है, फिर माइनस कहां से कहां मूव किया। तो आसान ये लग रहा है वैसे, इस पे पहले 4q था, 10q बन गया, तो इस पे 6q बढ़ा, मतलब प्लस 6q वहां से वहां मूव किया, तो ये सही है। ये तो लिखेगा तो गलत नहीं है, पर कई बार लोग ये बोलते हैं सर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, तब मैं बता रहा हूं आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पर उल्टा लिखना पड़ेगा फिर। क्लियर है बच्चों? इतनी बात आपको चमक गई, ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल है आपके पास, आपको अभी दिखाया गया यहाँ पे सेंटर पे 2q चार्ज, इस पे 3q, इस पे 5q है। आपको इसको उसी ट्रिक से सोल्व करना है जो आपने सीखा, कि मान लीजिए जब आपके पास में लास्ट वाली दो शेल्स को अगर आप कनेक्टेड करते हैं, तो हमने क्या सीखा कि इन दोनों फेसिस पे जो चार्ज आता है बच्चों को कितना आता है? जीरो आता है, ताकि EFI जीरो रह सके, ताकि अगर EFI जीरो होगा तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। क्या ट्रिक है? ट्रिक नहीं है वैसे, कंसेप्ट है, पर आप इसे एज ए ट्रिक अब याद कर सकते हैं कि जब आपके पास में इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट शेल आपस में ज्वाइन करेंगे हम, तो ये जो बीच की जो सरफेस है इन दोनों पे चार्ज कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो आप मुझे फटाफट बताइए हर एक शेल पे फाइनल कितना चार्ज रहेगा, ये इनिशियल चार्ज। तो आप इसे खटाखट कर सकते हैं, मतलब चुटकियों में कर सकते हैं, इसको करके बताइए बच्चों। चुटकी मैंने बता दी, हो गया, अब तो गया होगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे 2q, यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? माइनस 2q आएगा, क्लियर? इस पे जीरो आना चाहिए, इस पे जीरो आना चाहिए। अब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते इस पे टोटल चार्ज 3q रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। क्यों? अगर आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इन दोनों पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, तो दोनों पे टोटल चार्ज कितना है? 8q। कितना है? इस पे 3q, 5q, टोटल कितना? 8q। तो यहाँ पे अगर माइनस 2q बचा इस शेल के ऊपर, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10q बचेगा। तो ये आपके पास फाइनल जवाब हो गए सर, इस पे 2q, यहाँ पे माइनस 2q, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे कितना? 10q। चमक गई ये बात? इन दोनों पे आपके पास में जीरो होना चाहिए, अगर इन दोनों पे जीरो होगा तो यहाँ पे 2q, यहाँ पे माइनस 2q। फिर सेकंड कंसेप्ट ये था कि सर इन दोनों पे टोटल चार्ज आपस में कंजर्व रहना चाहिए, तो वो था 5 + 3 = 8q, तो यहाँ पे माइनस 2q, तो यहाँ पे कितना? 10q। क्लियर है बच्चों? छाप लीजिए आप इसको। आपके सामने है क्या बोला गया, दो कंडक्टिंग स्फीयर है। पहले आप सवाल पढ़ दीजिए, खुद से सवाल पढ़िए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। पढ़ दिया सवाल? सवाल में बोला हुआ टू कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग लार्ज सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों बीच जो सेपरेशन है वो बहुत लार्ज है, और आर प्लेस इज शोन इन द फिगर, डायग्राम में दिखाया। डायग्राम में क्या है? इस वाले कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज आपके पास में क्यू है, इस पे कुछ माइनस 5q है इनिशियली, और इसको एक कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर रहे हैं। सो किससे ज्वाइन करें? कनेक्टिंग वायर से। स्विच अभी ओपन है, तो आपसे बोला गया अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे तो बताइए स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये आपको निकालना है। कर पाएंगे आप इस सवाल को? कीजिए। आई होप आपने कर लिया, वही कंसेप्ट लगाया। देखिए अगर आप किन्हीं दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं डायरेक्टली या फिर वायर से, तो एक चीज होता है, वो क्या होता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, मतलब इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, ये दोनों क्या हो जाने चाहिए? आपस में बराबर हो जाने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने स्विच को बंद कर दिया। आप स्विच को बंद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस स्विच को बंद करेंगे तो मान लेते हैं इस पे कुछ चार्ज बचा क्यू, इस पे चार्ज कितना बचा? क्यू बचा, कुछ फाइनल चार्ज पे कितना बचा? क्यू बचा, और इन दोनों पे टोटल चार्ज, अब की बार क्या होगा, इन दोनों में टोटल चार्ज कंजर्व होगा, बिकॉज़ चार्ज यहां से यहां पे फ्लो कर सकता है। तो टोटल चार्ज दोनों में मिला कितना था? माइनस 4q था, सही है ना ये बात भाई? इसका अकेले का टोटल चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, इसका अकेले का भी नहीं रहेगा, दोनों का मिला के टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज एक जगह दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। तो आपके पास जो यहाँ पे चार्ज था बच्चों, वो था आपके पास में क्यू, यहाँ पे माइनस 5q, तो टोटल चार्ज था जो इनिशियल, दैट इज माइनस 4q। तो इस पे अगर आपके पास में क्यू है तो यहाँ पे कितना होगा आपके पास में? दिस विल बी 4q माइनस क्यू, सही, सॉरी माइनस, टोटल चार्ज पहले कितना था? इस पे था क्यू, इस पे कितना था? माइनस 5q, तो टोटल चार्ज कितना था आपके पास? माइनस 4q, तो टोटल माइनस 4q, तो अगर इस पे क्यू लिखा तो इस पे कितना लिखना पड़ेगा? माइनस 4q माइनस क्यू।
अब आप देखिए, अगर आप पोटेंशियल लिखने, दोनों का पोटेंशियल बराबर करना है, इसका नाम कुछ वन रख दो, इसका नाम कुछ टू रख दो। तो अगर आप पहले वाले का पोटेंशियल लिखें तो वह है के क्यू बाय कैपिटल आर। आप इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना है, के माइनस फोर क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई टू आर। ये तो आसान सवाल, आसान लग रहा है बिल्कुल। आर से आर साफ हो गया, के से के साफ हो गया, तो यहाँ पे कितना है, टू क्यू इज इक्वल टू माइनस फोर क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ पे आया थ्री क्यू इज इक्वल टू माइनस फोर क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितने की बच्चों, माइनस फोर क्यू बाई थ्री, माइनस फोर क्यू बाई थ्री, ये रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज बचेगा वो बचेगा माइनस फोर क्यू बाई थ्री, और इस पे जो आपके पास में चार्ज आएगा इस पे वो कितना आएगा आपके पास, तो आप देखेंगे माइनस फोर क्यू, और माइनस क्यू अगर आप कह रहे थे प्लस हो जाएगा, प्लस फोर क्यू बाई थ्री। तो टोटल कितना है बच्चों आपके पास, दिस इज माइनस एट बाई एट क्यू बाई थ्री ना, इस पे आएगा फाइनल कितना, माइनस एट क्यू बाई थ्री। इसमें माइनस फोर क्यू बाई थ्री, इसमें माइनस एट क्यू बाई थ्री। अब इस पे पहले कितना था, क्यू था, अब कितना हो गया आपके पास में, ये वाला बिकम आपके पास ये बन गया माइनस फोर क्यू बाई थ्री। मतलब कितना चार्ज आया होगा आपके पास में, अब आप देखिए पहले ये इस पे पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पे चार्ज आया होगा तो पहले माइनस क्यू आया होगा, फिर इसको और नेगेटिव बना था, माइनस फोर क्यू बाई थ्री आया होगा। टोटल कितना आया बच्चों आपके पास, दिस विल बी चार्ज जो यहाँ से यहाँ पे फ्लो किया, दैट इज सेवन माइनस सेवन क्यू बाई थ्री। तो आप बोलेंगे माइनस सेवन क्यू बाई थ्री चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो फ्रॉम टू टू वन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो कितना आएगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो कितना आएगा माइनस सेवन क्यू बाई थ्री। तो माइनस सेवन क्यू बाई थ्री चार्ज फ्लो किया टू से लेके वन तक। अब ऐसे डाउट ये आता है सर, इस पर लास्ट सेपरेशन पे क्यों रखा, अगर लास्ट सेपरेशन पे नहीं रखते तो क्या होता। बच्चों अगर आप लास्ट सेपरेशन पे नहीं लिखते रखते ना, तो आप इसका पोटेंशियल अगर आप लिखते, सिर्फ आप के छोटा क्यू डिवाइड बाय आर नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल में अब की बार इस चार्ज का भी रोल आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख पाना आसान नहीं था, बिकॉज ये वाला चार्ज अगर दूर दूर है तो ये क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर इसके पास आया तो इंडक्शन की वजह से ये फाइव क्यू नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ये वाला चार्ज सॉरी। तो अगर आप पास पास होंगे तो आप रिजल्ट ही नहीं लिख पाएंगे पोटेंशियल का, लिखना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों ऐसी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बिकॉज तब सिर्फ इसकी वजह से नहीं लिखना, इसकी वजह से भी लिखना है, और इस पर जो चार्ज है आपके पास वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए सवाल में हमने लार्ज सेपरेशन वर्ड का यूज किया। आई होप आपको चमक गया होगा। ठीक है, अपने आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हम नई चीज पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अर्थिंग ऑफ कंडक्टर की। अर्थिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्ड सुना होगा अर्थिंग की, हमने इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होता है, जो एक्सिस चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है। एक्सिस चार्ज क्या होता है बच्चों, अर्थ में चला जाता है। अर्थ क्या है ना आपके पास में, अर्थ इन्फिनिट सोर्स और सिंक है चार्ज का। अगर आप बोलेंगे चार्ज चाहिए तो अर्थ आपको चार्ज दे भी सकता है, अगर आपको चार्ज मतलब अगर आप अर्थ से चार्ज लेना है तो अर्थ आपको चार्ज दे भी सकता है, और अगर आपको अर्थ को चार्ज देना है तो अर्थ चार्ज ले भी सकता है। दोनों काम कर सकता है, अर्थ आपको चार्ज दे भी सकता है, अर्थ चार्ज ले भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। मतलब जो बोले धरती माँ, तो माँ वाला प्रॉपर नियम कहता है, आपको जो चाहिए वो देगा, आपको चाहिए तो वो देगा, आप बोलेंगे सर एक्सेस है आप ले लो तो वो ले लेगा। मेरी बात समझ में आ गई, अर्थ इज इन्फिनिट सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज, वो ले भी सकता है चार्ज, दे भी सकता है। अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मान के चलते हैं, अर्थ का पोटेंशियल हमारे रेफरेंस मान के चलते हैं उसको भी, तो कितना पोटेंशियल मान के चलते हैं उसका, जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल टेंडिंग टू जीरो रहता है वैसे आपके पास, तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेंडिंग टू जीरो। अब देखो बच्चों, अगर आपने कभी किसी वायर से अर्थ को और एक कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपको ये पता है कि जब आप किसी दो कंडक्टर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटेंशियल एक बॉडी का होता है वही दूसरी बॉडी का हो जाता है। आपको पता है अर्थ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो अगर आपने किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो वही सेम तरीका जो हम पहले फॉलो कर रहे थे पोटेंशियल लिखना, सब वैसा का वैसा ही, बस एक चीज बदल जाएगी। पहले हम जिन दो शेल्स को कनेक्ट करते थे वहां पोटेंशियल दोनों को बराबर करते थे, अब की बार क्या होगा, मैं एक शेल को अर्थ करूंगा तो आपको क्या करना है, उस शेल का पोटेंशियल कितना बना देना है, जीरो। इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। अब जो मैंने बात बताई वो लिखवा भी रखी है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो, तो आपको जीरो लेके चलना है अर्थ का पोटेंशियल। फिर मैंने लिखा इफ वी कनेक्ट कंडक्टर विद अर्थ, अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं देन क्या होगा, अगर आपने दोनों को ज्वाइन किया तो जो पोटेंशियल अर्थ का था वही पोटेंशियल किसका हो जाएगा, कंडक्टर का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर हो जाएगा। फिर ठीक है, सेकंड चीज इज अर्थ इज अनलिमिटेड सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सुनिए किस तरीके से मान लीजिए हम इसको यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे एक शेल है, इस पे कुछ क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक दूसरा शेल है, इस पे कितना चार्ज है बच्चों, थ्री क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, थ्री क्यू चार्ज है। इसकी डिस कुछ आर मान लिया भाई साहब, इसकी डिस कुछ टू आर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब
अब देखिए आपने इसको अर्थ कर दिया, अभी अर्थ किया नहीं, अभी आप अर्थ करने वाले हैं। ये सिंपल है अर्थ का, दिस इज सिंपल ऑफ अर्थ, समझ में आ गया। तो अब आपसे बोला गया कि अर्थ करने के बाद में हर एक शेल पे कितना चार्ज होगा। सवाल अगर ये हो फाइन चार्ज ऑन ईच शेल, चार्ज ऑन ईच शेल आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग, अगर आपने अर्थ कर दिया तो उसके बाद में हर एक शेल के ऊपर कितना चार्ज आएगा ये हमें निकालना है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास्टर ने अभी अभी सिखाया कि अगर आप अर्थ करते हैं तो पहले डायग्राम बना लेता हूं। दो शेल बना दिए, ये भाई साहब अर्थ हो गया, इस वाली शेल को किसने छुआ, किसी ने नहीं छुआ, तो इस पे पहले चार्ज कितना था क्यू, अब भी कितना रहेगा क्यू, पर इस पे पहले चार्ज था थ्री क्यू, अब भी सर थ्री क्यू रहेगा क्या, क्या ये आइसोलेटेड है क्या, नहीं दोस्त ये आइसोलेटेड नहीं है, ये एक ऐसी चीज से कनेक्ट होगा जो कितना भी चार्ज दे या फिर ले सकता है। तो मैंने बोला सर इस पे कोई नया चार्ज आ गया क्यू, और उस क्यू के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये थ्री क्यू कहां गया, हो सकता है अर्थ में चला गया, हो सकता है अर्थ से कुछ चार्ज आ गया हो, तो यहां पे कुछ भी चार्ज हो सकता है। तो मैंने यहां पे कितना मान लिया बच्चों, क्यू मान लिया। अब करना क्या है, इसकी डिस पता है आर, इसकी डिस बच्चों कितनी आपके पास 2R, हमें ये करना है कि इस वाले शेल का जो पोटेंशियल आउटर शेल का पोटेंशियल वो कितना करना है जीरो। तो मैंने बोला वी ऑफ आउटर कितना होना चाहिए बच्चों आपके पास जीरो, इसका पोटेंशियल लिखते हैं आउटर शेल का पोटेंशियल। तो इस वाले चार्ज की वजह से क्या लिखूंगा मैं, के क्यू बाय 2R, बहुत बढ़िया सही है ये वाली बात, इस वाले चार्ज की वजह से। अच्छा इसकी वजह से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, प्लस के क्यू, कितना प्लस के क्यू डिवाइड बाय 2R, क्योंकि इस वाले शेल के भी बाहर है और आप इस क्यू के भी बाहर हैं, जस्ट समझ में आ रहा है, हम जस्ट बाहर वाले पॉइंट पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो इस क्यू की वजह से बना के क्यू बाय 2R, इसकी वजह से बना इतना, ये जीरो के बराबर होना चाहिए, के 2R 2R साफ हो गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी अच्छी माइनस क्यू, मतलब जो फाइनल चार्ज आएगा बच्चों वो इस पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। तो अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसा बचेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख, इस पे चार्ज तो क्यू रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा तेरे पास माइनस क्यू, आना ही आना था पक्का, और बाहर वाले फेस पे कितना आएगा तेरे पास जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज माइनस क्यू है। तो आप इसका एक सीधी बात भी समझ सकते हैं कि अगर कभी आउटर मोस्ट शेल को अर्थ किया है, बच्चों सुनना सही ढंग से मेरी बात को, ये रिजल्ट इसी केस में, जब आपने आउटर मोस्ट शेल को अगर आपने कभी अर्थ किया होगा तो बाहर वाले फेस पे जीरो चार्ज आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा बाहर वाली शेल पे जीरो चार्ज आएगा, मैं बोल रहा हूं अगर आपने कभी आउटर फेस को अर्थ किया है, इफ वी हैव डन अर्थिंग टू द आउटर फेस, सॉरी वापस सुनिए, अगर आपने कभी आउटर शेल को अर्थ किया है, आउटर मोस्ट शेल को अगर आपने कभी अर्थ किया होगा, तो जो आउटर शेल का बाहर वाला फेस होगा, सबसे बाहर वाला फेस होगा, उस पर चार्ज हमेशा कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। चमक की ये बात, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, इस जुगाड़ टाइप की है, मतलब ये रिजल्ट है जो हमने याद कर लिया, इसको जुगाड़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये सीखा अगर हम आउटर मोस्ट शेल को, ये आपको अपनी भाषा में लिखना है, अगर हम आउटर मोस्ट शेल को अर्थ करेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट जो सरफेस था उस पर चार्ज कितना आएगा, जीरो, बाकी सब चीज जैसे होती है। यहाँ पे क्यों था माइनस क्यों, आना ही आना है, नहीं तो धर्म खराब हो जाएगा, घोषलो फेल हो जाएगा, डन सही है ये बात, ठीक है सर। बाकी मान लीजिए कोई और शेल को अर्थ करेंगे तो घबराना नहीं है दोस्त, तुझे वही अप्रोच लगानी है, तुझे उस पर चार्ज लिखना है, उसका पोटेंशियल लिखना है और काम हो जाए, ठीक है। आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये सवाल है आपके पास में, अब की बार हम इनर शेल को अर्थ करना चाह रहे हैं। मैं इनिशियल आपको दिखा रखा है शेल की रेडियस एक की आर, एक की 2R, और चार्जेस पता है एक पे क्यू और एक पे 2Q। आपसे बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच शेल आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आप चार्ज फ्लो थ्रू स्विच ही बता दें, दोनों काम कर दीजिएगा, एंड चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, एंड चार्ज फ्लो थ्रू स्विच। कई बार लोग चार्ज फ्लो थ्रू स्विच थोड़ा कंफ्यूज होता रहता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों फाइनल में क्यों इनिशियल कर दे सीधा जवाब मिलेगा, थोड़ा दिमाग यूज करेगा तब भी जवाब मिल जाएगा, करके बता इसको। हुआ बच्चों थोड़ा देखें इसको, आइए देखिए इस पे चार्ज नहीं बदलेगा सर, इस पे 2Q का 2Q रहेगा, पर अगर आपने इसको यहाँ पे अर्थ कर दिया तो अर्थ करने के बाद में ये क्यू यहाँ पे जा भी सकता है, आप भी सकते हैं, नया चार्ज कुछ स्मॉल क्यू आएगा, उसकी वैल्यू कुछ और होगी वो हमें नहीं पता। तो हमने बोला हमें अब की बार क्या करना है, वी ऑफ इनर, पोटेंशियल ऑफ इनर शेल किसके बराबर करना है बच्चों आपको, जीरो के बराबर करना है।
तो क्यों ना इनर शेल का पोटेंशियल लिखा जाए। कैसे लिखे इनर शेल का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते जस्ट इसके ऊपर वाले का। तो आप देखिए ये शेल इसके अंदर है, इसकी वजह से कितना का के टू क्यू डिवाइड बाई टू आर, इतना चमक रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर आप अंदर वाले की वजह से लिखें तो क्या लिखें के क्यू डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, टू से टू साफ हो गया, आर से आर साफ हो गया, के से के साफ हो गया, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास माइनस क्यू, मतलब फाइनल चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। तो आ गया इस पे माइनस क्यू, इस पे टू क्यू, खत्म हो गया। अगर आप बात करेंगे स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया, देखिए इसमें पहले था क्यू, अब कितना है मेरे पास माइनस क्यू, ऐसा ही हुआ ना, पहले क्यू था अब कितना आया माइनस क्यू, तो पहले माइनस क्यू जाएगा जीरो बनाने के लिए, फिर माइनस क्यू जाएगा एक्स्ट्रा, टोटल कितना है माइनस टू क्यू, तो अपने माइनस टू क्यू चार्ज फ्लो फ्रॉम अर्थ टू शेल, अर्थ टू शेल, आप इसका उल्टा ही बोल सकते हैं, प्लस टू क्यू चार्ज इज फ्लो फ्रॉम शेल टू अर्थ, तब भी सेम बात है। आप सर मैं हम कंफ्यूज रहे, कंफ्यूज रहे कोई दिक्कत नहीं, फाइनल में से इनिशियल लिख रहे, फाइनल कितना तेरे पास माइनस क्यू, इनिशियल कितना था क्यू, तो माइनस क्यू तो कितना माइनस टू क्यू, फाइनल माइनस इनिशियल उतना चार्ज क्या होगा इसके ऊपर आया होगा, क्लियर, ठीक है बच्चों। सिंपल सवाल था, मैंने आपको कंसेप्ट जो पहले बताया वही फॉलो करें, क्या कंसेप्ट आपके पास, अगर आपको भाई साहब ये पता लग जाए कि किसी शेल को आपने अर्थ किया है तो उसका पोटेंशियल किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर।